गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को राष्ट्रवाद से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा, मोहन भागवत का बयान देश को जोड़ने की बात करता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा देश को तोड़ने और सांप्रदायिकता वाले बयान और ट्वीट करते हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट देश को विभाजित वाले होते हैं। दिग्विजय सिंह अलगाववादी सोच के हैं। उन्होंने कहा, दिग्विजय जिस लव जिहाद कानून की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है जो लव के नाम पर जिहाद की तरफ जाते हैं। नरोत्तम ने कहा, कांग्रेस ही अपनी पार्टी पर ध्यान दे तो डूबता हुआ जहाज संभल सकता है। कांग्रेस पार्टी के इंजन में कुछ तो गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से कांग्रेस की काली पटरी से उतर गई। कांग्रेस पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, नए मंत्रिमंडल से निश्चित ही प्रदेश को लाभ होगा। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ के कार्यकाल में सागर में एक दलित परिवार को जला दिया गया था, तब वे देखने तक नहीं गए थे। सतना में बच्चों का अपहरण हुआ और बाद में उनकी लाशें आई। कमलनाथ लॉ और ऑर्डर की बात ना करें तो ही ठीक है। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को लेके लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लव जिहाद प्रयोग किया है धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है कि जो लव के नाम पर जिहाद की तरफ ले जाते हैं। आप तो इनकी सारी तुलनाएं उठाकर देख लीजिए दिग्विजय सिंह जी, हर ट्वीट में विभाजन दिखेगा या वैमनस्यता या सांप्रदायिकता दिखेगी। बहुत बधाई सभी को बधाई, सम्मानित मंत्रियों को, माननीय सिंधिया जी को महत्वपूर्ण विभाग मिला, प्रदेश का काफ़ी लाभ होगा। हमारे दतिया सहित हमारे यहाँ भी हवाई पट्टी है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है उनसे। और मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जी का जैसा विकास के मामले में रहता आया है, विकास के पक्षधर वो हमेशा से रहे, विकास ही उनका मूल आधार रहता है, विकास की ही हमेशा उन्होंने बात की है। बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 7 बार के लगभग सांसद हैं वो, पहले भी केंद्र में मंत्री रहे, अब कैबिनेट के मंत्री बने, दोनों मंत्रियों से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। कमलनाथ जी हैं जिनके समय में जिंदा सागर में एक दलित को जला दिया था, देखने तक नहीं गए थे। ये वही लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं जिनके समय में 2 बच्चे सतना से अपहृत होकर चले गए और हम चीखते रहे, लेकिन उनकी लाशें ही वापस आई, बच्चे वापस नहीं आए थे। ये बोई कमलनाथ जी हैं जिनके समय में अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर था 15 महीने में। वो अगर बात करेंगे नीति की तो वास्तव में फिर बर्नौल तो भेजने की बात आएगी। देखो, मैंने कल भी कहा था बर्नौल भेजने की, मैं आज भी कह रहा हूँ, इनका कोई इलाज नहीं है। इतनी मुस्तैदी से अगर ये अपनी पार्टी पर ध्यान दें तो शायद कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश पैदा हो, अन्यथा डूबता जहाज है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।